थानाकुतुबपुर शेर पुलिस द्वारा नकली नोटों की तस्करी करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नकली नोट और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सहारनपुर के एसएसपी के निर्देशन में अपराध नियंत्रण और शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 2 और 3 सितम्बर 2024 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान नकली नोटों की तस्करी करने वाले दो अभियुक्त गण विजय कुमार पुत्र रमेश चंद और मुकेश पुत्र सोम प्रकाश को बड़ी नहर पुल अम्बाला रोड से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 60,000 रूपये के नकली नोट, जाली भारतीय मुद्रा, एक एटीएम कार्ड, कोटक महिंद्रा बैंक, दो पैन कार्ड, दो आधार कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक वोटर आईडी, दो मोबाइल फोन, रियलमी और सैमसंग कंपनी, 4700 रूपये नकद, एक हुंडई वरना गाड़ी सफेद रंग बरामद की गई। पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त गण ने एक स्वर में बताया कि हम लोग नकली नोट विजय के सगे भाई निवासी कमला नगर नियर रविदास आश्रम फरकपुर थाना राजू हरियाणा से लेकर आए हैं। विजय के भाई से पहले भी हम लोग नकली नोट लाते रहते थे। अब करीब 3 महीने पहले 2 लाख रूपये के नकली नोट प्रताप सिंह खालसा पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम डाड़वा थाना बेहट जिला सहारनपुर को लाकर दिए थे। आज भी हम ये रूपये सहारनपुर में लेकर आए। जो थाना कुतुबशेर पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को पकड़ा है, कहां से ये लोग नोट लेकर आते थे, कहां ये तस्करी करते थे? जी हां, ये थाना कुतुबशेर द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है उसमें जो जाली नोट का एक गैंग चल रहा था, जो जाली करेंसी दिया करता था, उसके दो सदस्य को पकड़ा है। इसमें से जो एक सदस्य है वो यहीं का रहने वाला, सहारनपुर का रहने वाला है, हसनपुर चौकी क्षेत्र का रहने वाला है मुकेश सैनी। इनके द्वारा यहाँ पे कुछ लोगों से संपर्क करके यमुनानगर की जो पार्टी है, जो ये नोट सप्लाई काम करती थी, उनसे मिलकर नोट प्रोवाइड करवाए जाते थे। जो इनका रेट चलता था उस तरह चलता था कि एक तिहाई सही नोट देने होते थे तो उसके एवज में इनको 3 गुना करके नोट मिला करते थे। जैसे 1 लाख रुपये दिए तो 1 लाख रुपये सही करेंसी में, तो ये 3 लाख रुपये आपको फर्जी करेंसी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह की इनकी इक्वेशन रहती थी और इसमें बीच में जो पार्टी लेके आता था उसको 10% कमीशन मिलता था। ये जब हमने पूछताछ करी है, इसमें जो मेन दो अभियुक्त हैं अजय और विजय, अजय इसमें से अभी फरार है और ये जो विजय इसके जो भाई है अजय का, उसको हमने पकड़ लिया है। इनके द्वारा ये यहाँ पे रहने वाले यमुनानगर के हैं, उनके द्वारा यहाँ पे सहारनपुर में सप्लाई की जा रही थी। पूछताछ में काफ़ी हमारे तथ्य सामने आए हैं जिसमें इन्होंने बताया है कि ये जो सप्लाई है शायद ये पंजाब से कहीं ऑपरेट हो रही है और पंजाब से ये जो करेंसी है प्रिंट होती है और उसके बाद ये हरियाणा आके उत्तर प्रदेश और आगे अन्य राज्यों में भी सप्लाई होती है। यहाँ की कुछ पार्टीज़ हैं जिनको ये पहले भी सप्लाई करा चुके हैं, उस पर भी हम पूछताछ में उनके नाम भी खोल रहे हैं और उसके बाद अगर उनके पास के उनके पोजेशन से भी ऐसे नोट बरामद होंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, बनाते कहाँ थे लोग? क्या हरियाणा में बनाते थे, पंजाब से? जैसे मैंने बताया, इसमें दो भाई हैं अजय और विजय, पहले भी 400 BC के मुकदमों में यमुनानगर और दिल्ली जैसे राज्यों से जेल जा चुके हैं और पहले ये प्रॉपर्टी का भी काम करते थे। उसके बाद ये लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पे जो झांसा दिया जाता है वो भी काम इन्होंने किया है और उसके बाद अब ये फेक करेंसी का काम कर रहे थे। विजय का बताना है कि सारा जो कोऑर्डिनेशन है ये करेंसी के आने का, ये सारा कोऑर्डिनेशन का भाई जो मेन अभियुक्त इसमें अजय है जो फरार है अभी, वो करता था। लेकिन कुछ हमें मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स मिली हैं जिसमें हमें लिंक, ये पंजाब से लिंक हमें लग रहा है कि पंजाब से ये किसी जगह से ये सब यहाँ पे नोट आ रहे थे। यूपी हरियाणा पंजाब में ही चलाते थे या और भी कई राज्य हैं? नहीं नहीं, बस यही 3 अभी जो स्टेट हैं यहीं पे आया है। यहाँ पे सहारनपुर में भी इनके द्वारा प्रिंटिंग नहीं करी गई है, सहारनपुर में इनके द्वारा सप्लाई की जाती थी और इनके द्वारा अलग अलग, जैसे ये मुकेश सैनी पकड़ा गया इसी तरह और इनके इन्होंने अपने गैंग में सदस्य इंक्लूड कर रहे थे जो क्लाइंट लेके आते थे और उनको सप्लाई करवाते थे। कब से सप्लाई कर रहे? पिछले 3 से 4 महीने में ये सप्लाई हुई है, ऐसा पूछताछ में हमें सामने आया। जानकारी कैसे मिली सर कि ये सप्लाई देने वाले हैं यहाँ पर? जी हाँ, कुछ लोगों के पास ये फर्जी नोट आए जिनके द्वारा गोपनीय रूप से पुलिस को सूचना दी गई। जब हमने इसमें बैकवर्ड लिंकेजेस स्ट्राइक जब पूरे हमने ट्रेस किए तो पता चला कि एक मुकेश सैनी है जो यहाँ पे सप्लाई करवा रहा है। फिर हमने जब मुकेश सैनी पे सर्वेलेंस हमने लगाई तो ये डीलिंग करने ही विजय को उसने बुलाया था और जब ये डीलिंग हो रही थी तभी वहाँ पे पुलिस ने छापा मार के इनको पकड़ा। मुकेश से संपर्क कब किया था? मुकेश जो है जी,